पंजाब विच लगे करफ्यू के चलते प्रवासी मजदूर लगातार अपने अपने सूबों का रुख कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है, कामकाज ठप होए पे ने, जिसका असर प्रवासी मजदूरों से सब तो वध देखने को मिल रहा है। प्रवासी मजदूर हुण निराश होकर अपने सूबों वापस जा रहे हैं। जे गल की जाए जिला फतेहगढ़ साहब दे विच पैंदी एशिया की सब तो वड्डी लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ की, तां इत्थों दी 36,000 प्रवासी मजदूरों ने अपने घर वापस जाने लई आवेदन किया सी, जिन्हां दे विचों अज प्रशासन दे वल्लों उत्तर प्रदेश के वख-वख जिलों के लिए प्रवासी मजदूरों नूं बसां दे राहीं सरहिंद रेलवे स्टेशन भेज के ट्रेन दे राहीं उन्हां दे घर वापस भेजा जा रहा है। जिक्र खास है कि 950 प्रवासी मजदूरों नूं यूपी दे लई रवाना किया जा रहा है। इस तों पहलां 1063 प्रवासी लोग पहलां ही अपने घरां नूं जा चुके ने। अज 950 बंदे नूं भेजा जा रहा है जी उत्तर प्रदेश। कड़ी जगह भेजा जा रहा है सर? ये जी अपना गोरखपुर, महराजगंज ते खुशीनगर। अच्छा, तो किन्ने बजे ट्रेन है जी? रात नूं 9 बजे दी है जी, सरहिंद रेलवे स्टेशन तो। टोटल किन्ने बंदे ने रजिस्ट्रेशन करा दित्ता है सर? रजिस्ट्रेशन तो साढ़े को 36,000 प्लस दी है जी, परिवार समेत जी है रजिस्ट्रेशन। तो 1063 पहला जा चुके जी, अज 950 बंदे ने भेजा। 4 बजे मणिपुर की ट्रेन है जी, साढ़े 15 बंदे ऑलरेडी जा चुके हैं। 15 बंदे इतों स्टूडेंट ने जी, RIMT ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।